स्वतंत्र विदर्भ की मांग अभी बहुत जोर में चल रही है हमारे महाराष्ट्र में। क्यों चल रही है? कोई लोग बोलते हैं कि स्वतंत्र विदर्भ की क्या जरूरत है, लेकिन जरूरत इसलिए है क्योंकि 1960 में हमारा जो विदर्भ था वो स्वतंत्र था, उसकी राजधानी कैपिटल जो थी वो नागपुर थी। ये एकमात्र प्रदेश है जिसने अपनी राजधानी होते हुए छोड़ दी या छोड़नी पड़ी मजबूरन, क्योंकि अब 1960 के अंदर ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग महाराष्ट्र के साथ में जुड़े। लेकिन उसके बाद में जो हमसे वादे किए गए थे और जो तरीके से सारी बातें होनी थी, हमारे प्रदेश का जो विकास होना था वो बिल्कुल हुआ नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, 12 कपड़े की मिलें थी विदर्भ में, क्योंकि हमारे यहाँ तो कपड़ा पूरा का पूरा कपास का ये एरिया है और इसीलिए ये व्हाइट गोल्ड का एरिया बोले जाता है, और वराड और सोने की कराड है ना, रीजन विद गोल्डन बॉर्डर बोले जाता था। लेकिन अभी उसके बाद में 1960 से क्या हुआ, 12 कपड़े मिलें हमारी बंद हो गई। वो जो ये थी सूत की जो मिलें थी, सूत बनाने की, सूत कताने की, वो करीब करीब 27 से 30 ये थी, वो भी सारी बंद हो गई। उसमें जो 2-4 कैसी तो भी चालू है। तो और विदर्भ का जो किसान है आज भारत के अंदर सबसे ज्यादा मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 100 दिनों में करीब करीब 1600 किसानों ने आत्महत्या किया, उसमें से 1400 किसान अकेले विदर्भ के हैं। 100 दिन में 1400 का मतलब समझते हो आप, एक दिन में 14 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसान जो आत्महत्या करता है वो तो कर्जे में डूबे हुआ है, इसलिए आत्महत्या कर रहा है। और ये वही किसान है जो एक जमाने के अंदर क्या था, बैंकों में डिपॉजिट रखता था। अब जो बैंकों में डिपॉजिट रखने वाला आदमी है, धनी आदमी, और जो ये बोलता था कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी, यानी नौकरी यानी हलखट लोग करते हैं यानी ये करते हैं, ऐसी जो धारणा थी वो क्या हुआ है अभी कि नौकरी उत्तम, उसीलिए अभी आरक्षण वगैरह का सारा चल रहा है, आप देख रहे हो। और जो खेती है ना, जो उत्तम बोलते थे, उत्तम की कनिष्ठ हो गई है, कनिष्ठ नहीं निकृष्ट हो गई है। तो ये इसलिए हो गई है क्योंकि अभी खेती में कुछ बचा नहीं है। जो सरकार की जो नीति चल रही है वो एकदम यानी जो इम्पोर्ट होता है वो खुला कर दिया, और हमारा जो एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर पूरी रोक लगा दी है। प्याज हो या हमारा कपास इम्पोर्ट करवा दिया है, जो हमारे अरहर की दालें होती है वो पूरी इम्पोर्ट हो रही है। ऑयल सीड हम लोग उत्पादन करते थे काफ़ी, हमारा चना या क्या बोलते उसको, ये ग्राउंडनट बनता था, फलीदाना, तो वो सारा का सारा बनता था। लेकिन अभी फिलहाल में वो कुछ नहीं बनता है क्योंकि सारे के किसी को भी भाव नहीं है। भाव क्यों नहीं है? क्योंकि विदेश से सारा माल आ रहा है, सरकार ने इम्पोर्ट पूरा खोल दिया है विदाउट एनी टैक्सेशन। और बाकी के जो देश है, जैसे जापान के अंदर अगर चावल भेजने ना, उन्होंने 1000% टैक्स लगाया है। वो बोलते कि तुम अगर चावल हमारे देश में भेजेंगे तो हमारे देश का किसान कहाँ जाएगा। बांग्लादेश के अंदर अभी तक के हमारा संतरा जाता था 20 रुपए किलो के पीछे उसके ऊपर टैक्स था, वो उन्होंने कर दिया 88 रुपए पर किलो। वो बोलते कि तुम्हारा संतरा हमारे यहाँ है, हमारा किसान क्या करेगा। तो देखिए ये वो जो देश है तो वो किसानों के प्रेमी देश है, उनको दिखता है कि हमारे देश का किसान नहीं भरना चाहिए करके, वो अगर कोई विदेश बाहर से माल आता है तो उसके ऊपर कड़ा टैक्स लगा देते कि जहां माल जाए नहीं। और हमारे देश की सरकारें जो चल रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन्होंने तो किसानों को मारने का ठान लिया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसानों के माल की कीमत बढ़े। क्यों? क्योंकि इनको वोट लेने हैं, अभी इलेक्शन सर पे है, वो चाहते हैं कि लोगों को सस्ता मिले। जिनकी सारी बोमा बोम कब होती है, सारे लोगों का बोलना अरे महंगाई बहुत बढ़ गई, तो महंगाई काहे की बढ़ती है, खाने की चीज़ों की, तो इसीलिए उनको खाने की चीज़ें सस्ती रखनी है। इसलिए चावल के ऊपर एक्सपोर्ट को बैन करवा दिया, गेहूं के ऊपर बैन करवा दिया, उसके बाद में अनियन के ऊपर, शक्कर के ऊपर, सारी तरफ बैन करवा दिया। भारत से जो विदेश में माल जाता है उसको रोक लो ताकि यहाँ पड़ा रहे, यहाँ पे उसकी कीमतें गिरे और लोग हमको बोले कि वाह वाह क्या बात है। तो ये सारी की चीज़ें अभी हमारे सामने एक ही विकल्प बचा है कि ये नालायकों के नाम में लगते हुए, क्योंकि पूरा विदर्भ सत्यानाश हो गया है, पूरा मर रहा है। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं ना वो सारे बाहर गाँव जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ नौकरी नहीं है, कोई कारखाने बने नहीं है। तो ये इस तरीके से अभी हालत खराब है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो अभी जो 14 किसान आत्महत्या और 140 हो जाएंगे, मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो और ये एकमात्र प्रदेश है कि जिसने अपने सांसद खोए, हमारे जो आमदार थे, एमएलए थे, वो सारे खोए। क्यों? कि ये क्या बोलते हैं, लोक संख्या हमारी घट रही है। क्यों घट क्यों रही है? पूरे देश की दुनिया की आबादी बढ़ रही है और हमारे विदर्भ की आबादी घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि यहाँ कोई रहना नहीं चाहता, हर 20 घर के पीछे एक घर को ताला लगा है, क्योंकि बच्चे चले गए, नौकरी यहाँ नहीं है, तो
फिर दो तीन एक दो साल के बाद में बच्चों ने माँ बाप को भी बुला लिया। तो इसीलिए जो विदर्भ हमारा मर रहा है, उस विदर्भ को वापिस से उसके सोने के दिन दिलाने के लिए, दिखलाने के लिए हमको विदर्भ सेपरेट करना जरूरी है। देखिए जिनकी मांग नहीं थी ऐसे राज्य सरकार ने अलग कर दिए, और ये 110 साल पुरानी मांग है हमारी। और हमारा स्टेट था, प्रोविंस था सेपरेट, सीपीआई एंड बोराड थे, उसको छोड़ के हमको हमका हमारा सेपरेट किया नहीं, बाकी के स्टेटों के कर दिया। जिनके कर दिया आपको मालूम है किस तरीके से, छत्तीसगढ़ दौड़ रहा है, तेलंगाना दौड़ रहा है, झारखंड दौड़ रहा है, उत्तराखंड दौड़ रहा है, और हम मर रहे हैं। तो इसीलिए अभी हमारे सामने एक ही विकल्प है, स्वतंत्र विदर्भ, इसके सिवा हमारे पास में कोई इलाज नहीं है। हम सब लोगों का साथ इसके ऊपर चाहते हैं और हम हमारी इसके ऊपर अभी जान लगा देंगे, इतनी बात हम आपको बोलते हैं। नमस्ते।